अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। दो चम्मच लेके आना। सुबह सुबह देखिए लाइट नहीं है, परेशान हो गए हम लोग। रात कितने बजे गई लाइट पता भी नहीं चला, कुछ 4-5 बजे गई है। 4-5 बजे ही चली गई और अब 7 बजने आ रहे। बहुत टाइम से लाइट नहीं है, बहुत परेशान हो गए। फिर भी चलो उठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। अरे कुछ तो आज को स्कूल लेके जाऊंगा। लाइट मिल रही है। हाँ, पानी भी नहीं बराबर आ रहा है और लाइट भी घड़ी घड़ी जा रही है। और ये देखिए चाय बिस्किट खा रहे हैं हम लोग। आयत अपना कैलॉक्स के साथ दूध पिएगी। और ये डॉगी है, इसको मैंने बिस्किट अभी डाल के आया था, इसने खा लिया लगता पूरा। हाँ, पूरा बिस्किट खा ली, अब जा रही है। दोस्तों कितना सुहाना मौसम है, देखो पंछी सब जा रहे हैं अपने घर या घर से खाना खाने निकल रहे होंगे। काफी अच्छा मौसम है दोस्तों। दिवाली आ रही है और ये देखिए कितने मस्त गेट लगाया है। सामने जलेबी का थैला भी लगा हुआ है, ये मतलब क्या बोलते हैं, मंडप जैसा। यहाँ पे देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ, जलेबी बेच रहे हैं। मतलब रौनक थोड़ी अच्छी हो रही है इस जगह की। रात में यहाँ पे गुलाब जामुन वाला भी आ जाता है, यहाँ पीछे वो आदमी खड़ा है, वहाँ पे गुलाब जामुन, दूध, जलेबी सब मिलती है यहाँ पे। और ये सब देखो कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग आए हैं अभी पोहा लेने के लिए। पोहा है, जूस है, काफ़ी कुछ मिल रहा है। देखिए दोस्तों, आज जैद कर रहा है साफ सफाई, पहली बार वैक्यूम क्लीनर से। थोड़ी आवाज आएगी और देखते हैं कैसा साफ सफाई होगा, वो जैद बताएगा थोड़ी देर में। तब तक उसको मारने देते हैं अभी। देखिए पूरे जाले साफ कर चुका हूँ मैं, चारों तरफ के बहुत मेहनत किया। ये पूरा कमरा जाले से भरा था, साफ कर दिया। सीढ़ी तक देखो, यहाँ पे जाले थे पूरे भर भर के, सारे साफ हो गए। यहाँ के जाले, यहाँ के पूरा घर साफ किया है सिर्फ और सिर्फ जैन मंसूरी ने। राधा कचूरी। दोस्तों आयत को लेके मैं घर पे आ चुका हूँ और आयत को बीच में आइसक्रीम लेने का मन आ गया। चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ गए हमारे साथ, आइसक्रीम खा लीजिए मजेदार। जैद को तो बहुत पसंद आई है, जैद को तो पता भी नहीं था आइसक्रीम आने वाली है ना। हाँ। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा। इंदिरा फैशन द साइड ऑफ फन, और से आ गया हमारा पार्सल। ही मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैंने मंगाया है ब्लू कलर का। अच्छा हाँ, उसने बताया था आजकल ऐसा आने लग गया उसके साथ में, ताकि आप लोगों को है ना वो पता चले कि उनकी ओरिजिनल साइड से ही आया है, कोई और चुनमुनिया नहीं कर दिया है बीच में। जैसा स्काई ब्लू कलर बताया था, ये वैसा स्काई ब्लू कलर है तो नहीं। उधर बहुत बड़ा चुनमुनिया हो गया यार, धोखा। कॉटन नहीं है ये तो? कॉटन नहीं, नहीं ये कॉटन ही तो लिखा था। 100% कॉटन लिखने के बाद में ये तो कुछ और ही मटेरियल निकला। देख खोल के तो देख पूरा। ये है अफगानी पैंट वाला ड्रेस, लेकिन थोड़ा ठीक ही साइज का आ जाएगा। और लेकिन कॉटन नहीं है ये, बस मुझे इतना पता है। दिखाइए अब ये क्या मटेरियल है, वो तो मुझे भी नहीं पता। पढ़ जैद क्या लिखा है उसके ऊपर। तो देखिए हमारी ड्रेस तो आ गई है, जैसी फोटो में दिखाई थी वैसी है ये, सब तो ठीक है इसके अंदर। बस जो एक बात ठीक नहीं है वो है इसका मटेरियल। हाँ बताओ। इसके बारे में ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग मत मंगाइए। अगर आप लोग इसको कॉटन का समझ के मंगा रहे हैं तो मत मंगाइए, क्योंकि ये कॉटन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसको एक ऐसा अच्छा ड्रेस समझ के मंगा रहे हैं तो ठीक है, पर लेकिन नहीं, इसको गर्मी में, राजस्थान की गर्मी में नहीं पहन सकते, क्योंकि राजस्थान की गर्मी में तो ये कपड़ा आपको ऐसा अजीब सा ही कुछ देगा बॉडी को। ठीक है, पहन लेंगे कभी कभार, मन करेगा तो पहनना ही पड़ेगा, मन करे चाहे ना करे। पैसे दिए अपने इसके दीदी। कितने पैसे दिए? ये तो सस्ता ही है। आ जाइए टैग के पास आ जाइए। क्या इतना महंगा?
ये सस्ता ही MRP है, तो फिर महंगा क्या होगा? अभी सेल चल रही है ना, तो लोग ने 50% ऑफ में दिया है मुझे। अच्छा। ये पैसे का आधा भाव लिया है। अच्छा। और देखिए आप लोगों को मंगाना है तो मंगाइए, मैं इसके लिए हाँ नहीं बोलूंगी। देखिए टैग अच्छा लगा, बस सिर्फ टैग के पैसे दिए हैं हम लोग ने, ठीक है, मुझे भी टैग अच्छा लगा है। तो चलिए हमारे कलेक्शन के अंदर एक ब्लू कलर और ऐड हो गया है, नहीं है दो काम एक साथ मत क्या कर। क्या हुआ? स्मेल स्मेल, पापा ने आज बहुत ज्यादा काली और कम चाय बना दी है, और ये कब कैमरे में नीला दिख रहा है, पर है ये पर्पल। ऐसा आपको सही में ये बवई में हम लोग पीते थे मारवाड़ी की अग्रवाल, कोई तो है। अच्छा, मैंने कभी उस मारवाड़ी की 3 नंबर चाय नहीं, वरना मैं तो कभी पीती ही नहीं। मम्मी अगर वो ऐसी लगती है ना, मैं तो कभी नहीं पीती। मम्मी मारवाड़ी की 3 नंबर चाय पी के आ जाती है तुम्हें 2 नंबर। कैसा था जो एकदम गंदा था? मम्मी सही में गंदा था जो, और चाय चाय मेरे जोक से ज्यादा गंदी थी, मतलब मेरा जोक चाय से तो अच्छा ही है। मैं आप लोगों को बता दूं, सॉरी सॉरी तिवारी था वो, तिवारी चाय वाला। मैं बाबू एज से जानती हूँ तिवारी चाय वाले को, मैं वहीं पैदा हुई थी। आप तो बस उधर जाते थे। तिवारी चाय वाले को जानती हूँ मैं, उसकी चाय कोई अच्छी नहीं है, लोग मजबूरी में उसकी चाय पीते हैं, उसका नाम बस स्टैब्लिश हो गया है। वो उसकी चाय रहती है एकदम नाली के पानी जैसी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले जैद को जुकाम था, अब मुझे जुकाम हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी अच्छी चाय नसीब हो जाएगी, पर नहीं, जब ज्यादा अच्छा सोचती हूँ ना मैं, बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। क्या बोलता है जाहिर इस बारे में? ऐसी गड़त चाय तो तेरे पसंद है, गड़त चाय पीती है, ठीक है वो कड़क चाय है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही पक गई है। नहीं, पकी होती तो काली हो जाती। वो हुई है, वो पकने वाला कलर, काला कलर नहीं। हमारे घर में डेली 5-6 चाय जलती है, तो पापा जली चाय और अनजली चाय में डिफरेंस। चलिए ठीक है, अब आप लोग हमारे साथ बने रहे, पानी कम हुआ है खाली, नहीं कोई बात नहीं, अच्छी है, लेकिन अच्छी है। आप लोगों को अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा ये बीच का काट देना, आप लोगों को अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब करो, और जो दिल में आए। देखिए दोस्तों दुकानों का क्या अच्छा लाइटिंग किया हुआ है दिवाली में, और हम लोग लेने आए ब्रेड, ब्रेड लेके चलते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पे खाना लेने आ चुके, पनीर की भाजी और रोटियाँ, आज का डिनर। ऐसे डेली हम लोग बाहर का डिनर करते हैं, तो आज का लोग इधर से कर रहे हैं। ये चलता फिरता है बिलवाड़ा, चलता फिरता अच्छा है रेस्टोरेंट। दोस्तों हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैं खाना लेके आ चुका हूँ, इसके लिए कल पपीता लाया था, वो पपैया खाएगी। और ये देखिए ब्राउन ब्रेड लाया हूँ, ये मैदा नहीं खाना चाह रही तो आटे का ब्रेड खाएंगे, और ये 70 रुपए का आया है। नहीं वो छोड़, मैं तेरे को एक बात बताती हूँ, शर्म आती है तुझे? क्या बीवी ये सूखा हुआ पपैया खा रही है, तू भुर्जिया पनीर भुर्जिया रोटियां लपेट रहा है, खा ले लोगों के सामने। मैंने दो रोटी एक्स्ट्रा लाया हूँ दोस्तों, अगर खाना है तो खा सकते हैं, ऐसे मसूम बन जाते हैं। अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो, एक्स्ट्रा रोटी है हमारे पास, और हम लोग ब्राउन ब्रेड खाने वाले हैं। और आज रोटी का साइज भी अच्छा है काफी, पापा को छोटी लगती थी ना तो उसको बड़ी कर दी है, उस दिन बहुत छोटी दी थी उसने, काफी छोटी दी थी। जैद इसको है ना कल तुम में और पापा है ना लंच में खाएंगे, ठीक है? चलो तवा रोटी खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैदा नहीं खा सकते ना ज्यादा, इसलिए तवा रोटी। अभी हमारे घर में मैदा छोड़ा है लोगों ने, और अकेले अकेले नहीं खा रहे, आ जा तू भी चल बैठ जा। अकेले अकेले क्या कर दिया हम लोग ने, तो ब्राउन ब्रेड है वो। और आए तो एक बात बता बेटा, मैं तेरे लिए अंडा रखूंगी, अब तुम बता, अब तू बता रही, जब इसको बोल रही थी मैं आज कि अंडा ब्रेड खा ले, अंडा ये बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना अंडा, आज मुझे किसने बोला, और मैं तो क्या खाना चाह रही है, देखा अब बोल रही है कि मुझे खाना भी नहीं है, और अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले, चला जा बैठ लंच में।
देखा देखा दोस्तों, बहुत दुखी आत्मा है ये लोग। बच्चों के लिए करे तो करे क्या, बोले हाँ। तो बोले क्या, बनाए तो बनाए क्या। बच्चे भाजी नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। हम लोग बस पनीर और चिकन खाते, पर बाहर होटल का सब सामान खाते। नहीं, होटल की कहा खाई मैंने बैंगन की भाजी करी लसन फ्लेवर की, वो पानी पुड़िया नहीं खा रहा था क्योंकि वो फ्लेवर था, वो अखा लसन मुँह में नहीं आ रहा है, लसन डाला था पर उसने। दोस्तों आप लोग अपने बच्चे से कैसे डील करते हैं, कुछ सजेशन दीजिए हमको। सही बात है, हम तो परेशान है थोड़े। मैं भी मेरे पापा से थोड़ा परेशान हूँ। कैसे समझाते हैं, शर्म कर शर्म, इतना अच्छा बाप मिला है। मेरे पापा घर से लेने निकलते सैंडविच और वहाँ पे जाके लेके आते पैटिस, घर से निकलते पैटिस लेने लेके आते सैंडविच। क्या है मम्मी मोह माया, वो मुझे नहीं पता, दिखा दे भाई अपने पापा को, दिखा के खत्म कर रहे। पापा कैसा लग रहा है वो देना, वो लिंबू, लिंबू वेर इज लिंबू। पिछली बार भी तूने सलाड खोला था, खाया तो नहीं था, डाल उसके अंदर नींबू ले लेते हम लोग।